ବିଜେପି ରେ ଯୋଗଦେଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନୁରତ ପଡୱାଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନୁରାଧା ପଡୱାଲ। ସେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଅନୁରାଧା ବିଜେପି ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିଛି ଯାହାଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ ସହ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସିନେମା ଗୀତ ସହିତ ଭଜନ ବି ଗାଏ। ରାମଲଲାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ମତେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେ କ୍ୟୁକି ହମାରେ ଯୋ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ହେ ବୋ ଏକ ହି ହେ ଇସଲିଏ ଜ୍ୟାଦା ଔର ହମାରେ ଯୋ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ହେ ବୋ ଏକ ହି ହୋନେ କି ବଜହ ସେ और भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप 2024 में बीजेपी को कहाँ देखते हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, कितना जनता बीजेपी को इस बार समर्थन देंगी और क्या आप इस बार चुनाव में कंटेस्ट करेंगी, ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है कि मैं खुद भी इस डिवोशनल में अध्यात्म में पिछले 35 साल से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि आज जहाँ पर हिंदुस्तान है तो सनातनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो भी पड़ाव आया है, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव आया है, बहुत बहुत सालों के बाद आया है, तो इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैम आप कंटेस्ट करेंगे अगर आप? मुझे पता नहीं, अभी जो वो मुझे सुझाव देंगे तो उसी। आज निर्वाचन कमिश्नर आगामी लोकसभा और चारोटी राज्यर विधानसभा निर्वाचन पाई तारीख घोषणा कर एवं अनुराधा लोकप्रियता को दृष्टि रे रखी से बीजेपी रो लोकसभा प्रार्थी होई परिबे बोली साधारण रे चर्चा करा जाउची।